हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनास दुनिया रे। फ्रेंड्स, एबे मु रेडी हो जाइछि। आज आम मैंने जाऊ गुलमार्ग, से पूरा स्नो थी तो आम से रेडी होचु। तो जिते बड़े भी आपण जाऊे सेमती स्नो जगह को बेसी मोटा जैकेट पिंधाटू भल आपण मैंने लेयरिंग करना पिंधिपारे। मुण मानक देखी केमती मु लेयरिंग करी किना पिंधी ची। मु सबू डिकैथलन परचेज करी थिली। फर्स्ट लेयर थिला वार्मर, सेकेंड लेयर थिला स्वेटर, थर्ड लेयर थिला जीन्स जैकेट आउ गोटे कैप। फ्रेंड्स, गुलमार्गटा एठु 50 किलोमीटर हम आम श्रीनगर में अच्छु 50 किलोमीटर। तो आपण मैंने एठु टैक्सी बुक करके जापरिबे पर डे 3000 नहले 2500 एमती पड़ूचे टैक्सी मैंने नहले आपण शेयरिंग रे भी जापरिबे। तो आम डिसाइड करूँ केमती जीवु, तो आम केमती गलु आठ कौन कौन आक्टिविटी अच्छी सबू मु आपण मानक सहित शेयर करी। फर्स्ट आम एबे ऑटो रे जाऊचु परिमपुरा बाईपास रोड, सेठु आम जीपा टर्नमार्क, देन टर्नमार्क रु गुलमार्ग। तो आम ये डिसाइड कलु कि आम शेयरिंग रे जीवु। शेयरिंग रे गले पर पर्सन 100 पड़ुची। आम मझी सीटा पूरा रिजर्व करीचु 300 पड़ा आमको। यही रोड रु जदि आम सीधा जीपा पड़ीबो उरी, देखंतु उरी 86 किलोमीटर लिखाई हेले आम गुलमार्ग जीबा। तो आम लेफ्ट रे जीबा। जदि आपण ट्रैवल करुछंते विंटर रे डिसेंबर टू मार्च भितरे, ताहले आपण जदि प्राइवेट टैक्सी भी बुक करिथिबे डायरेक्ट आपण गुलमार्ग जापरबेनि। आपण को फर्स्ट जीवा को पड़ब टर्नमार्क। टर्नमार्क जाकि चेन व्हीकल्स रे आपण को जीवा को पड़ब गुलमार्ग। एटा सेफ्टी पर्पस पाई बहुत स्नो हुए से गवर्नमेंट रूल बनई। तो बेटर कि जदि आपण बेसी लोक नहांती जणे दुईज अच्छा आराम से शेयरिंग रे पड़ेबे। और बहुत टूरिस्ट भी आम देखल जाऊँच तो आराम से जापरिबे। आउ जमा वेट भी करने को पड़बनी, 2 मिनिट्स रे थरे टैक्सी जाऊ थाए सेठू। टर्नमार्क रु गुलमार्ग बहुत सुंदर रास्ता, टिके घाटी टाइप रो रास्ता। आउ पहाड़ ऊपर को गाड़ी चलुची, रास्ता सहित थंडा भी बढ़ी बढ़ी के चलीची। वेदर पूरा चेंज हो जाइची, देखंतु स्नो भी देखा हबा स्टार्ट हो गलानी। एटा जनवरी फेब्रुआरी रे पूरा पूरी स्नो कवर्ड थाए। यही 4-5 दिन हेला ही चेन व्हीकल चलिबा बंद हेची। आउ ए जगार ना एथिपई गुलमार्ग। गुल माने हेला फ्लावर आउ मार्ग माने रास्ता। तो समर रे ए रास्तार दुई साइड पूरा पूरी फ्लावर्स रे भरिकी थाए, सेथिपई ए जगार ना हेला गुलमार्ग। सीजन वाइज पूरा रास्तार व्यू चेंज हो थाए। फाइनाली एबे आमे गुलमार्ग रे फर्स्ट काम हैला आमे एबे स्नो शू नबू, काहेकि ना नॉर्मल शू पिंधिक स्नो रे जाई हबनी। एठे सब रेंट रे मिलुची। केते मस्त व्यू अच्छी देखंतु, एमती लागुची कि माउंटेन उपरे गोटे व्हाइट कलर चादर बिछा हेची। एबे आमे स्लेज करिके जाउचु केबल कार पॉइंट को। फर्स्ट आम भाभी कि आम ट्रेकिंग करे एबे स्नो मेल्ट हाँ को लगला खरापाई, तो गोड़ बहुत स्लिप करे। तापरे जो लोक मैंने स्लेज कराने टर्नमार्क आहरी दूर गाँव रू आस खाली स्लेज कराइवापाई। आईटा गोटे सीजन वाइज कम एम। तो आम डिसाइड कलु कि स्लेज करना ही जीपाई, ये भी टी हेल्प हो।
ସତରେ ସ୍ଲେଜ୍ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ସ୍ଲେଜ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଉଛୁ ଗଣ୍ଡୋଲା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଅଛି ୱିକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଗୁଲମାର୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପସିବୁଲ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। 10ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯାଇକି ଆଗେ ଆପଣ ଗଣ୍ଡୋଲାର ଟିକେଟ୍ ନେଇକିନା ପଳାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ, ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ଟିକେଟ୍ ମିଳେନି। ପର୍ ଡେ 2500 ଟିକେଟ୍ସ ମିଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ କେବଲ୍ କାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଗଣ୍ଡୋଲା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ଼ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ କେବଲ୍ କାର୍ ଆଉ ଏସିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ କେବଲ୍ କାର୍। କେବଲ୍ କାର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ବହୁତ ହିଁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରୁନି କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠିକି ଜଣେ ଆସିକି ନାହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ କେମିତି ଲାଗିବ। ଏତେ ଉପରୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁ ଆଉ ଯେଉଁ ୱେଦର୍, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ।